कहानी 32। यीशु दुष्ट आत्मा मु ग्रस्त आदमी और एक बीमार स्त्री ने चंगो करे है। यीशु और बिंगा चेला अपनी किश्ती में बी क्षेत्र में गया जठे गिरासेनी लोग रेंता हा। वे बी क्षेत्र में पहुंच गए, किश्ती मु उतर गया। बठे एक आदमी हो जिको दुष्ट आत्मा मु ग्रस्त हो। वो आदमी इतो बलशाली हो के कोई भी बिना नियंत्रित ना कर सक्यो। कई बार लोगां बिने हाथां और पैरां ने जंजीरां मु बांधो पर वो बने तोड़ देन तो। वो आदमी बी क्षेत्र की कब्रा में रे करतो हो। वो आदमी पूरा दिन और पूरी रात चिल्लाए करतो हो। वो कपड़ा कोनी गालतो और अक्सर आपने पत्थरां मु घायल करतो हो। वो आदमी दौड़ गई यीशु कने आयो और बिंगे सामने घुटना टेक दिया। फिर यीशु भी आदमी गए अंदर की दुष्ट आत्मा सागे बात करी और क्यों ई आदमी वो बारह निकला। वो दुष्ट आत्मा ऊंची आवाज में चिल्लाई, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, तेरो मेरे सागे के काम, कृपा करके मन्ने नास्ता। फिर यीशु भी दुष्ट आत्मा ने पूछो, तेरो नाम के है? बने जवाब दियो, मेरो नाम सेना है, क्योंकि मैं बहुत हाँ। रोमी सेना में कई हजार सैनिकों को एक समूह एक सेना होती ही। दुष्ट आत्मा यीशु मु विनती करी, कृपा करके मन्ने ई क्षेत्र मु बारे ना भेज। बठे कन्ने पहाड़ पर सूरां को एक झुंड चरण लाग रहे हो। ई खातिर दुष्ट आत्मा यीशु मु विनती करी, कृपा करके मन्ने सूरां मां भेज दे। यीशु के हो ठीक है, बंग है मां चलो जा। बे दुष्ट आत्मा भी आदमी मुँह निकल गए, बां सूरां में प्रवेश कर गई। बे सूअर दौड़ गए एक खड्डे टीले पर मुँह झील में कूद गया और डूब मरिया। बी झुंड में लगभग 2000 सूअर हा। बठे बां सूरां की देखभाल करन आला लोग हा जिको कुछ होयो जद बां देखो तो बे गांव में भाग गया। यीशु जिको बठे करयो हो बां सारा ने बतायो। बी गांव गा लोग निकल आया और बी आदमी ने देखो जिके में दुष्ट आत्मा ही। वो शांति मुँह कपड़ा पहने होया और एक सामान्य आदमी तरिया व्यवहार करतो होयो बैठो हो। बे लोग बहुत डरया होया हा और बां यीशु ने चलिया जान खातिर क्यों। अंत यीशु किश्ती पर चढ़ गयो। वो आदमी जिके में दुष्ट आत्मा ही बने यीशु गए सागे जान की विनती करी। पर यीशु बिना क्यों, नहीं मैं चाहूँ हूँ कि तू घर जागे, सारा ने बता के परमेश्वर तेरे खातिर के करो है। बने बता के किया परमेश्वर तेरे ऊपर दया करी। ई खातिर वो आदमी चलो गयो और सारा ने ई बारे में बतायो जिको यीशु बिंगे खातिर करो हो। बिंगी कहानी सुनन आलो हर एक जन चकित होयो। यीशु झील गए दूसरी तरफ लौट आयो। बने बठे पहुंचन गए बाद एक बड़ी भीड़ बिंगे आसपास इकट्ठी हुई और बिना दबान लागी। बी भीड़ में एक स्त्री ही जिकी 12 साल मु लहू बहन की समस्या मु पीड़ी थी। बने आप को सारो धन चिकित्सा ने दे दियो हो ताके बे बिने ठीक कर सके, पर बिंगो रोग और भी बिगड़ गयो हो। बने सुनियो हो के यीशु कई बीमार लोगों ने ठीक करे हो और बने सोचो मैं निश्चित हूँ जे मैं केवल यीशु गो वस्त्र ही छू लेऊं तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी। ई खातिर बां यीशु गए पीछू आई अर बने वस्त्र छू लियो। जिया ही बने बिना छूयो लहू गो बहनो बंद हो गयो। तुरंत ही यीशु जान लियो के मेरे मुँह सामर्थ निकली है। ई खातिर बने पीछे मुड़ गए पूछो मन्ने कने छूयो। चेलना जवाब दियो, हठे इत्ता सारा लोग तेरे चारा पासे भीड़ लगाई है अर तन्ने ठेल आवे है तो थे क्यों पूछो के मन्ने कने छूयो है। बा स्त्री यीशु के सामने कांपती हुई और बहुत डरी हुई अपने घुटना पर बैठ गई। फिर बने बिने बता दियो के बने के करयो है और ओ भी के मैं ठीक होगी। यीशु बिने के हो तेरा विश्वास तने चंगो करयो है, शांति मुझा जा।